कोरोना महामारी के दौरान पंजाब सरकार की तरफ तो ठेकेदारी से भर्ती किए गए मुलाजमान की तरफों राजेंद्र हस्पताल के लगातार दिता जा रहा धरना, लेकिन पिछले लंबे समय तो इन मुलाजमान का धरना प्रदर्शन जारी है। लेकिन पंजाब सरकार का मंत्री इन्हों के नाल मुलाकात करने पहुंचा, इस करके पंजाब सरकार तो अक के अज मुलाजम पटियाला राजेंद्र हस्पताल की छत जा चढ़े और इन मुलाजमान ने छत तो छाल मारन की भी गल आखी, आख्या जब सानू जल्द ही पक्के ना किया गया तो आने वाले समय च संघर्ष होर तेज किया जाएगा। लेकिन इन्हों मुलाजमान का प्रदर्शन वेखते हुए इन्होंने मुलाजमान के हौसले वेखते हुए पटियाला विखे पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह, उन्होंने जाके मुलाजमान नाल मुलाकात की तो उन्होंने विश्वास दिवाया कि तुम थले उतर आओ, मैं थोड़ी मंगा सरकार तक जरूर पहुँचावगा तो मसले का हल जल्द किया जाएगा। लेकिन मुलाजमान ने एको ही गल बार बार दोहराई कि पहला हल किया जाए फिर ही असी अपना प्रदर्शन खत्म करांगे। पटियाला तो बलजीत सिंह की रिपोर्ट लाइव भारत। हाँ भाई की नाम है? मेरा नाम जी संजीव गिल है। असी रिंदा विखे आउटसोर्स वेले महामारी वेले करोना वेले सानू रखा गया सीगा, परंतु तीन उन्होंने सानू पंजाब सरकार वालों इतों बहाल कर दिता गया, साडा ठेकेदारी सिस्टम खत्म कर दिता गया है। असी सरकार अगे अज यही मंग करते कि सानू करोना वेले बहुत ही माड़े समय रखा गया सीगा, जदों कि एक बंदा एक दूजे बंदे नेड़े नहीं लगता सीगा। साडे मंत्री साहब जलालपुरी साहब ने जिहड़े वो आए थे उरे, वो सानू विश्वास दवा गए कि थोड़ा असं नौकरी वापस लवेंगे। वीरका साहब भी आए थे कि थोड़ा असं कढ़िया नहीं है थोड़ा नौकरी वापस लवेंगे, परंतु सानू रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं आया है कि सानू वर्बली ऑर्डर दिए जाते हैं। एक पासे सरकार कह रही है कि ठेकेदारी सिस्टम खत्म कर दिया गया, दूजे पासे सानू ठेकेदारी सिस्टम से वापस लेने की क्यों गल की जा रही है। देखो सरकार अगर साड़ी एक ही मांग है कि सानू रेगुलेशन दिया जाए, जिस प्रकार राजेंद्र हस्पताल या ला लो या किसी भी होर महकमे दिल्ली में राजस्थान में जिन्ना भी कोविड स्टाफ से रेगुलेट किया गया, तो पंजाब सरकार ने सानू कोई साढ़े से सहायता नहीं की, साढ़े कोई मांग नहीं पूरी की हैगी। साड़ी सरकार अगर अच्छे यही मांग है कि सानू कोविड के दौरान असं बहुत औखे वेले समय से काम किया है, जो कोई बंदा एक दूजे नेड़े नहीं आता सीगा, सानू रेगुलर किया जाए। जेकर साड़ी मंगा ना पूरी हुई है तो साढ़े संघर्ष बहुत तिखे हो जाएंगे। लेकिन वेरका साहब आए थे भी आए थे वादे भी किए थे, विरोध भी किया गया वालों की लगता है मंत्री आए थे? क्यों देखो साडा कोई विरोध करने का उन्होंने मोटिव नहीं, जेकर वो साड़ी रेगुलर की मंग लेके आते सानू रिटर्न ऑर्डर देकर जाते तो उन्होंने जी आया असं हल फुला ना स्वागत करते। परंतु जे देखो एक सब ने समझना चाहिए कि जो कोई बंदा आख्या होंगे जिसके को रुजगार ना रहे रोटी ना हो जिसके घर बच्चे भुखे बैठे हो मजबूर ने एक्शन लिंदा आ 7-7 हज़ार की सूँ मुमताज बनाया है, दसो कि 11-7 हज़ार चल रहा है। साढ़े तो 7 हज़ार का आउटसोर्स सिस्टम से नौकरी से भी खोली सू एक तरीक वादे किए थे कि थोड़ा असं रेगुलर कर देंगे या सरकार के अंडर ले आवेंगे, वो सामने वो भी रिटर्न में चलता कोई ऑर्डर। टोटल कितने एम्प्लॉई है तुम्हारे? देखो टोटल तो प्लस 18 हज़ार तो उत्ते ने साडे पूरे पंजाब दे पंजाब दे विच जो साढ़े रिंदरा का हैगा वह 310 मुलाजम ने 4 कर्मचारी ने जिस वाटेंडेंट ते सीपर ने ते नाल साढ़े नर्सिंग स्टाफ भैन ने जिड़े 200 कुछ तो पर 200-250 तो उपर ते हुण की रणनीति रहेगी तुहाडी? देखो साड़ी रणनीति यही है कि जिहड़े साढ़े दर्जा 4 ते नर्सिंग स्टाफ भैन असीं इकट्ठे होकर अपना संघर्ष लड़ रहे हैं कि सानू रेगुलर किया जाए। करोना महामारी च काम किया असी, जेकर साड़ी मंगा ना पूरिया हुई है तो देखो साड़िया दर्जा 4 ते नर्सिंग स्टाफ भैन छत दे हैगियां ने ते इन्हां दा कोई नफा नुकसान है तो इसकी जिम्मेवारी पंजाब सरकार। गल करिए हुण करोना पंजाब सरकार वालों भी किया जा रहा है, मोदी सरकार वालों भी किया जा रहा है कि तीजी लहर की भी तैयारी है, तुहानूं की लगता है की आस रखते हैं कि तीजी लहर वेले असीं काम करांगे? इन्हां दे जेकर साडे तों काम करवाउणा तां सानूं रेगुलर किया जाए, क्यों साडे ते मंग रख रहे कि देखो साडी कीमत इन्हां ने जानना दी 7-7 हज़ार रख के साडे तों काम करवाया सीगा। कोई देखो इन्हां ने आप इन्हां दे खुद मंत्री ते खुद इत्थे पॉलिटिक्स जिहड़े बंदे सीगे ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਦਾਖਲ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੂੰਹ ਮੂਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਦੀ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਦਾਖਲ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੂੰਹ ਮੂਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਿਆਲ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਦੇ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਸਮਾਨ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਉੱਪਰ? ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। मेडिकॉम आयुर्वेदिक सेंटर, यहाँ पर आपको मिलेगा हर मुश्किल का हल, जैसे कि मर्दाना कमजोरी, औरतों और पुरुषों के गुप्त रोग, बे औलाद, फालतू चर्बी, बढ़ा हुआ पेट, घटाएं,
बवासीर आपको मिलेगी हर प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ। मेडिकॉम आयुर्वेदिक सेंटर डीप कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट दुआबा शोरूम कोट रोड अमृतसर रोजाना मिल 6 बजे तक।